पश्चिम बंगाल के मालदा में जमीन विवाद को लेकर एक बेटे ने पिता की गला घोटकर हत्या कर दी। मामला मालदा के मणिकचक थाना क्षेत्र के नजीरपुर के हरिपुर इलाके का है। मृतक के बड़े बेटे ने आरोपी भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 65 वर्षीय सत्यनारायण मंडल हरिपुर में अपने दो बेटों के साथ रहते थे। बड़े बेटे सुजीत मंडल ने बताया कि उसके छोटे भाई अशोक मंडल ने परिवार को बिना बताए धोखे से पिता की 4 बीघा जमीन को बेच दिया था। जब पिता ने इस बात पर उसे डांटा तो उसने गुस्से में आकर उनका गला घोटकर उन्हें मार डाला, फिर तुरंत मौके से फरार हो गया। इसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सूचना मिलते ही उन्होंने अपनी टीम को मौके पर भेजा। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। वहीं मृतक के बड़े बेटे की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।